गुड मॉर्निंग मॉडर्न स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेरी गुड एंड ऑल्सो एंजॉइंग योर ऑनलाइन स्टडीज. सो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो. दिस इज योर SST सब्जेक्ट एंड इन दिस वीडियो टुडे आई डिस्कस अबाउट दैट योर चैप्टर 9. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज आवर मदरलैंड, ओके, इंडिया. बच्चों, आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले आज हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. तो सभी बच्चे फर्स्टली टेक आउट योर SST बुक एंड ऑल्सो ओपन योर SST नोट्स. ऑल स्टूडेंट वॉच की वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन आंसर. आफ्टर दैट राइट इन योर SST नोट्स एंड लर्न इट. सभी बच्चे बुक में ध्यान से देखेंगे और सारे प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसको कॉपी में राइट करेंगे. ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट, देयर आर सम क्वेश्चंस हियर. बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैंने कट करवाया है. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको नहीं करना है और 1 से लेकर 7 तक के बीच में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. नंबर 1, 2, 3, 4 और 7. ओके बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सामने क्वेश्चंस के सामने पेज नंबर भी राइट किया गया है, जिससे आप पेज नंबर इजिली ओपन करके आंसर को फाइंड कर लीजिए. आप इसी तरीके से बुक में क्वेश्चंस के सामने पेज नंबर राइट कर लेंगे और इजिली फाइंड करेंगे आंसर को. सभी बच्चों को ध्यान देना है, आपको सारे क्वेश्चन आंसर SST के नोट्स में ही राइट करने हैं. सो ऑल स्टूडेंट राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ सारे क्वेश्चन एंड आंसर को राइट करेंगे और लर्न करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड. इंडिया लोकेटेड इट मीन्स दैट भारत कहाँ पर स्थित है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 78 पे है. तो सभी बच्चे सबसे पहले पेज नंबर 78 ओपन कर लेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर राइट करेंगे कॉपी में. ओके स्टूडेंट, चलिए ओपन करते हैं पेज नंबर 78. यस स्टूडेंट, पेज नंबर 78 पे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है का आंसर है इंडिया लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. बेटा, आप वर्ल्ड मैप पर जाइए और वहाँ पर देखिए एशिया, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ पार्ट पे जाएंगे, वहाँ पर क्या है, भारत स्थित है. ओके, आप देखेंगे इंडिया का मैप बना हुआ है, यही इस जो प्लेस है वही कहलाता है आपका साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. ओके, तो आपका आंसर 1 है, इंडिया लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया ना, जितना मार्क किया गया है आपको बस उतना ही राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया. बेटा, आपको नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट बताना है, ठीक है. तो बच्चों पेज नंबर 78 फिर से ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 78 पे आंसर 2 है. 78 पे ओपन करते हैं. बच्चों आपका आंसर देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है. पहले तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि नॉर्थ साउथ का एक्सटेंस जो है वो है 3200 किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंस क्या है, 2900 किलोमीटर. तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ना. ओके स्टूडेंट, तो ये आपको पहले आंसर 2 देखना है, सारे आंसर 2 को कंप्लीट करेंगे. यस स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका आंसर 2 क्या है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर एंड वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर. तो बेटा आपको ये पूरा सेंटेंस राइट करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछ रहा है. नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. बेटा आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताना है. पड़ोसी देश का मतलब समझते हैं ना, अगर आपका यहाँ इंडियन मैप है तो उसके अगल बगल आप देखेंगे कुछ कंट्रीज़ हैं. ओके, उसी को हम कहेंगे पड़ोसी देश. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 83 ओपन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, और पेज नंबर 83 पे देखिए आपका आंसर है आंसर नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान आर आवर नेबरिंग कंट्रीज़. आपको पहले क्वेश्चन दिया गया था, आपको भारत के नेबरिंग कंट्री के बारे में राइट करना था. ओके, इसी तरीके से आप सारे कंट्रीज़ के नेम को लर्न कर लेंगे. ये भारत के पड़ोसी देश हैं. कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके स्टूडेंट दिख रहा है ना आपको, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान आर आवर नेबरिंग
कंट्रीज. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर नंबर 3 एंड दिस पेज नंबर इज 83. आंसर नंबर 3 एंड पेज नंबर इज 83. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है. राइट डाउन फ्यू स्पेशल थिंग्स अबाउट दिस सीजन. बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूरा राइट करना है. फर्स्ट आप मेंशन करेंगे मॉनसून. मॉनसून के बारे में आपको कुछ स्पेशल थिंग्स बताने हैं. ये पेज नंबर 81 एंड 82 पे है, तो मॉनसून के लिए पेज नंबर 81 ओपन करेंगे. अगर आप पेज नंबर 81 ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. ओके, तो पेज नंबर 81 पे आप देख रहे हैं कि मॉनसून के बारे में कुछ स्पेशल थिंग्स बताई गई है. बेटा मॉनसून आप ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद से आप सेंटेंस राइट करेंगे. मॉनसून रीच इंडियन मेनलैंड बाय द बिगनिंग ऑफ द जून. बच्चों मॉनसून जो है, ओके मॉनसून जो मौसम है वो कब आता है, जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है और ये मालाबार कोस्ट से होते हुए केरला से तक पहुंचता है और पूरे भारत में जून तक फैल जाता है. मतलब भारत में जून तक पूरे मॉनसून आ जाते हैं. ओके, तो आपको इसको ऐसे राइट करना है. मॉनसून रीच इंडियन मेनलैंड बाय द बिगनिंग ऑफ द जून नियर द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला एंड रीच द इंटीरियर बाय द एंड ऑफ जून. द इंटायर कंट्री रिसीव मॉनसून बाय अर्ली जुलाई. बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक में ही पूरे भारत में मॉनसून सीजन आ जाता है. ओके, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मालाबार कोस्ट से स्टार्ट होता है केरला में. ओके, अब बीच में जून तक सारे एरिया में पहुंच जाता है और पूरे भारत में जुलाई तक मॉनसून सीज़न आ जाता है. समझ में आ गया. ये तो आपने इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताई है मॉनसून के बारे में. अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, स्प्रिंग के बारे में पूछ रहा था ना. तो स्प्रिंग के बारे में भी देखिए, आप स्प्रिंग सीज़न मेंशन करके इसी तरीके से कुछ लाइन्स जो है यहाँ पर राइट करेंगे, बताएंगे. द विंटर सीज़न इज़ फॉलोड बाय द स्प्रिंग सीज़न. ओके, इट बिगिनिंग फ्रॉम फेबरी एंड कॉन्टिन्यूज टिल अप्रैल. ओके, फेबरी से स्टार्ट होता है बच्चों और ये कॉन्टिन्यू अप्रैल तक आपका सीजन चलता है. कौन सा, स्प्रिंग सीजन. ये विंटर के बाद आता है. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया. तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, अच्छे से अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे और इसको लर्न करेंगे. बेटा ये आपका आंसर नंबर 4 का पॉइंट 1 है, मॉनसून एंड स्प्रिंग सीजन. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन आप देखिए 7. डिस्क्राइब द समर सीज़न ब्रीफली. आपको समर सीज़न के बारे में बताना है. तो समर सीज़न के लिए आप सबसे पहले पेज नंबर 80 ओपन करेंगे. 80 नंबर पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे आपको आंसर देखिए ध्यान से बच्चों, आपको कुछ लाइन्स है जो राइट करने हैं. आपको जो मार्क किया गया है देखेंगे, समर और प्री मॉनसून. बेटा समर को हम प्री मॉनसून भी कहते हैं. सीज़न लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. आपको पता है ना समर गर्मी कब तक पड़ती है, अप्रैल टू जुलाई तक. ओके, अप्रैल से लेकर स्टार्ट हो जाता है और जुलाई तक आपका समर सीज़न आ जाता है. इन द वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया. बेटा वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में जो है अप्रैल में जो है सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है. ठीक है, वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया में अप्रैल जो है सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है नॉर्थन इंडिया में, एंड मई इज़ द हॉटेस्ट मंथ. ओके, और नॉर्थन इंडिया में जो है वो मई जो है सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है. मतलब वेस्टर्न और साउथ में अप्रैल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और नॉर्थ में मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है. तो बच्चों इतना आपको राइट करना है. यहाँ पे ध्यान से देखिए, समर और प्री मॉनसून. सीज़न लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई इन द वेस्टर्न एंड द साउथर्न इंडिया. अप्रैल इज़ द हॉटेस्ट मंथ, वेयर इज़ द नॉर्थर्न इंडिया एंड मई इज़ द हॉटेस्ट मंथ. ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 को राइट करना है. आंसर नंबर 7 में आपको इतने आंसर राइट करने हैं. सो डियर स्टूडेंट, ये आज आपका SST का क्वेश्चन आंसर है. सभी बच्चे सारे क्वेश्चन आंसर के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद से सारे क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में लिखकर याद करेंगे. ओके स्टूडेंट, एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर.